यहाँ पे मैं स्मूथी बनाया हूँ और एक वेजिटेबल राइस बनाया हूँ और एक सलाद बनाया हूँ और उसके साथ साथ कैसे बॉईल करते हैं बनकर तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम सेफ साजन है, आप देखना शुरू कर रहे हैं नेशन फूड। आज मैं यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार रेसिपी लेकर आया हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन आप स्किप मत करके देखिए, क्योंकि ये जो रेसिपी है ना आपके डाइट में 100% शामिल करेंगे, क्योंकि ये फॉक्सटेल मिलेट का रेसिपी है। यहाँ पे मैं स्मूथी बनाया हूँ और एक वेजिटेबल राइस बनाया हूँ और एक सलाद बनाया हूँ और उसके साथ साथ फॉक्सटेल मिलेट कैसे बॉईल करते हैं उसको भी दिखाया हूँ। फॉक्सटेल मिलेट क्यों लिया, क्योंकि फॉक्सटेल मिलेट वेट लॉस में मदद करता है, हाई फाइबर है, हाई प्रोटीन है और इसमें आयरन और कैल्शियम है, ऐसे बहुत सारा फायदा इसमें छुपा हुआ है। बहुत ही जल्द 1,00,000 का सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए और जो हमारे व्यूअर्स हैं प्लीज लाइक करके जाना, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और हौसला बढ़ने से ऐसे ही हेल्दी और टेस्टी और ग्लूटेन फ्री रेसिपी लाते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। मैं जा रहा हूँ बनाने, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पे मैं फॉक्सटेल मिलेट 1/2 कप लूंगा और इसको क्या करूँगा, वॉश कर लूँगा 1-2 पानी पे, हल्के हाथ में वॉश करना हमेशा मिलेट को, ज़्यादा मसल के वॉश मत करना। यहाँ पे मेरा अच्छे से वॉश हो गया है, इसको सोक करके 6-8 आवर रख देता हूँ, ठीक है। अभी मेरा 8 आवर हो गया है तो क्या करना है, ये जो मिलेट और पानी दोनों को अलग कर लेंगे, ठीक है, और इसी पानी से हम मिलेट बनाएंगे। ये मिलेट और ये पानी, इसी पानी से ही बनाएंगे मिलेट। अभी पहले मिलेट बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑयल लूँगा, कुकिंग ऑयल, आपके पास जो कुकिंग ऑयल है वो लीजिए। और फिर मेरा ऑयल गर्म हो गया है, अभी जो सोक किया हुआ मिलेट है इसमें ऐड कर देते हैं। मिलेट हो या घी हो, अगर मिलेट के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाएगा तो मिलेट क्या होगा, खिला खिला हो जाएगा, इसी के वजह से मैं यहाँ पे ऐसे प्रोसेस यूज किया हूँ। और 1/2 कप मिलेट लिया था तो यहाँ पे 1 कप वाटर लेता हूँ, जिस वाटर पे मैं मिलेट सोक करके रखा था। और फिर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा से हिमालय सॉल्ट, अगर हिमालय सॉल्ट नहीं है तो सी सॉल्ट आप ऐड कर सकते हैं। अभी इसको मिला के इसको कवर करके 10 से 12 मिनट इसको स्लो फ्लेम में कुक करेंगे। अभी देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए मिलेट कितना खिला खिला हो गया है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, अभी भी इसको और भी मॉइस्चर इसका रिड्यूस करना है, तो 5 से 7 मिनट इसको कुक करेंगे पूरा सिम में स्लो फ्लेम में। अभी देख लीजिए हमारा मिलेट बन के तैयार है, लेकिन ये थोड़ा सा सॉगी है, ठीक है। अगर आप फ्राइड राइस सलाद बनाते हैं ना, इसको अच्छे से ठंडा कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बोल पे इसको ठंडा कर दूँगा, ठीक है। और क्या करूँगा, ठंडा होने के प्रोसेस में बीच बीच में इसको थोड़ा से इसको मिक्स करता जाऊँगा। यहाँ पे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लूँगा, आप चाहो तो घी भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैं कैरेट, बीन्स, कैबेज, कैप्सिकम, ओनियन, जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली लूँगा। पहले मैं इसमें ऐड करूँगा गार्लिक और जिंजर चॉप, ये थोड़ा से सौते हो जाने दो, ठीक है, इसको जस्ट फ्यू सेकेंड के लिए सौते करेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे हमारा जो वेजिटेबल है, ठीक है, जैसे कि कैप्सिकम है, ओनियन है, ग्रीन चिली है, कैबेज है, ग्रीन पीस है, जितना सारा भी वेजिटेबल है इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास और भी कोई वेजिटेबल है जैसे ब्रोकोली है, जुगनी है, कॉलीफ्लावर है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको सौते करके 2-3 मिनट के लिए इसको कवर करके कुक कर लेंगे। अभी यहाँ पे वेजिटेबल कुक हो गया है, ये वेजिटेबल पूरा कुक नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंचीनेस रहना चाहिए, इसलिए मैं छोटा छोटा काटा हूँ ताकि हम जब खाएंगे तब वो क्रंचीनेस लगेगा। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा से हिमालय सॉल्ट, अगर नहीं है तो हमारा सी सॉल्ट ऐड कर देंगे और थोड़ा सा ब्लैक पेपर का क्रॉस, ठीक है, और
यहाँ पे बॉयल मिलेट, मैं रॉ मिलेट नहीं डाल रहा हूँ, बॉयल मिलेट हाफ कप, ठीक है, और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अगर आप चाहते हैं इसमें ट्विस्ट देने के लिए, आप इसमें पनीर ऐड कर सकते हैं, मशरूम ऐड कर सकते हैं, आप आपके हिसाब से ट्विस्ट दे सकते हैं। और ये हमारा बनकर तैयार है वेजिटेबल राइस। अभी बनाएंगे हम मिलेट का सलाद, ठीक है। यहाँ पे पानी गर्म हो गया है, इसमें ऐड करेंगे कैरेट चॉप, बीन्स, ग्रीन पीस, कॉलीफ्लावर, स्वीट कॉर्न, ब्रोकली, और आपके पास अगर दूसरा वेजिटेबल है तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, ब्लांच करेंगे, बॉयल नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हिमालय सॉल्ट, अगर नहीं है तो सी सॉल्ट आप डाल सकते हैं। और इसको सिर्फ 2-3 मिनट वेजिटेबल को इसको ब्लांच करेंगे, बॉयल नहीं करेंगे, ताकि क्रंचीनेस रहेगा और हमारा जो वेजिटेबल है मिलेट के साथ थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा हो गया है ब्लांच, तो इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये जो पानी है हमारा, इसको हम लोग करी में यूज कर सकते हैं, ये स्टॉक वाटर को हम करी में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेजिटेबल ठंडा होने दीजिए, तब तक हम क्या करेंगे, ग्रिल चेरी टमाटो बनाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, हमारे पास है गार्लिक चॉप, और इसमें चेरी टमाटो थोड़ा से डाल के इसको अच्छे से पैन ग्रिल कर लेंगे, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे पैन ग्रिल कर दीजिए, ताकि ये जो टमाटो और गार्लिक है एक गोल्डन कलर हो जाएगा। अभी यहाँ पे वेजिटेबल ठंडा हो गया है, तो मैं ये बोल पे ऐड करता हूँ, और यहाँ पे सलाद का पत्ता यहाँ पे ऐड करता हूँ, जैसे लेट्यूस हो गया, बीटरूट हो गया, बेसिल हो गया, यहाँ पे ऐड कर देंगे। हमारे पास है फॉक्सटेल मिलेट, बॉईल करके रखे थे ना, उसको हाफ कप ऐड कर देंगे, और पैन फ्राई ग्रिल चेरी टमाटो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करके इसको साइड करके रखेंगे। अभी इसका एक ड्रेसिंग बनाएंगे। मेरे पास है ऑलिव ऑयल 1 स्पून, इसमें एक बोल पे डालते हैं, और थोड़ा से पिंक सॉल्ट, और थोड़ा से ब्लैक पेपर क्रश, और थोड़ा से लेमन जूस ऐड कर देंगे। अभी इसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा ड्रेसिंग बनके तैयार हो गया। यहाँ पे अगर लेमन जूस नहीं लेते हैं तो एप्पल विनेगर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बनके तैयार है ड्रेसिंग। सलाद में अभी इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, और थोड़ा से चॉप कोरिएंडर। अभी इसको अच्छे से एक मिक्स करते हैं, और ये हमारा मिलेट वेजिटेबल सलाद बनके तैयार है, ठीक है। अभी क्या बनाएंगे, एक मिलेट का स्मूथी बनाएंगे, बहुत ही ईजी और बहुत ही हेल्दी है। इसके लिए क्या करेंगे, एप्पल मेरे पास है काटा हुआ हाफ, इसको ऐड करेंगे, और ब्लूबेरी है इसको भी ऐड करेंगे, और एक बनाना इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, और फिर इसमें आलमंड मिल्क फ्रेश ऐड करेंगे। अगर आलमंड मिल्क कैसे बनता है अगर आपको चाहिए, तो मैं आई बॉटम में यहाँ पे लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे बॉयल मिलेट ऐड कर रहा हूँ हाफ कप से थोड़े से कम, ठीक है, और स्वीट कला थोड़ा से यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ हनी, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं। अभी हमारा बन के तैयार हो गया मिलेट स्मूथी, और ऊपर से थोड़ा से आलमंड चॉप गार्निशिंग कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारा बन के तैयार है वेजिटेबल राइस और मिलेट सलाद। अभी हमारा 3 रेसिपी बन के तैयार है। देखे ना, सलाद बन गया, स्मूथी बन गया, और हाँ, मिलेट का वेजिटेबल राइस भी बन गया। ऐसे ही हेल्दी, टेस्टी और ग्लूटेन फ्री रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप और भी फॉक्सटेल मिलेट का रेसिपी देखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट लगा दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अरे रुकिए रुकिए, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है ना, वो और भी दमदार और शानदार होने वाला है। तब तक के लिए बनाइए, खाइए और हेल्दी रहिए। जय हिंद, जय भारत।